नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा से सीतामढ़ी होते हुए अजमेर की जो मांग थी, जो ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन की जो रेल बजट में अनाउंस हुआ था 2014 में, उसको आखिरकार रेलवे को याद आ गई है और उस ट्रेन को वापस पटरी पर लाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा सीतामढ़ी से होते हुए मथुरा जयपुर और अजमेर की ये ट्रेन वापस, यानी कि कागज़ों से वापस पटरी पर आ रही। पटरी पर दौड़ी नहीं थी, लेकिन पहली बार है कि रेलवे ने 2014 के अपने वादे को, जो बजट में घोषणा की गई थी, दरभंगा अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन को वो उसका अनाउंसमेंट किया गया है, वो ट्रेन चलने वाली है और वो टाइम टेबल भी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि ये जानकारी रेलवे की तरफ से आधिकारिक तौर पर दी गई है और CPTM है, उन्होंने ये जानकारी दी है आधार राज। उन्होंने कहा है कि 055:37 और 055:38 दरभंगा अजमेर न्यू वीकली ट्रेन बीइंग रन ऑन ट्रायल बेसिस फॉर 4 ट्रिप्स, यानी 4 ट्रिप चलेगी ट्रायल बेसिस पर ये ट्रेन, टू इवैल्यूएट द डिमांड्स मेड बाय पीपल ऑफ द एरिया फॉर रेगुलर सर्विस। और ये देखा जाएगा कि इसमें कितना डिमांड है, उस हिसाब से इसको आगे फर्दर किया जाएगा। और होपफुली दिस विल ऑल्सो हेल्प लॉट्स ऑफ स्टूडेंट पेरेंट्स इन दरभंगा एरिया टू रीच दिल्ली कोटा, यानी कि जो कोटा में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, वो तमाम पेरेंट्स जो हैं उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को फ़ायदा होगा। और ये ट्रेन 20 तारीख से ऑपरेशनल हो रही है, 4 ट्रिप चलेगी 20 तारीख, यानी कि वीकली ट्रेन है। बुधवार को दरभंगा से चलेगी और गुरुवार को ये अजमेर से चलेगी, यानी कि सप्ताह में एक ही दिन है, 4-4 ट्रिप ये लगाएगी और 4-4 ट्रिप में ही पता चल जाएगा कि इस ट्रेन में यात्रियों की कितनी डिमांड है। और दरभंगा से ये दोपहर 1:15 पर चलेगी और यह सीतामढ़ी रक्सौल के रास्ते चलेगी। सीतामढ़ी में 2:20 पर यह ट्रेन आएगी, उसके बाद बैरगिनिया में इसका 3:51 होगा, उसके बाद रक्सौल ये पहुंचेगी 3:50 और उसके बाद नरकटियागंज 6:05, उसके बाद कप्तानगंज होते हुए ये गोरखपुर पहुंच जाएगी रात के 10:25 पर, उसके बाद ये खलीलाबाद बस्ती गोंडा सीतापुर होते हुए शाहजहाँपुर होते हुए ये रूट जो है मथुरा को टच करेगी 2:10 पर। यानी कि मथुरा आप कृष्ण की नगरी भी दरभंगा सीतामढ़ी से जोड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जयपुर ये पहुंच जाएगी दूसरे दिन 7:35 पर और फिर रात में 10:05 पर इसका टाइम है अजमेर पहुंचने का। तो यानी कि ये टाइम ज़्यादा ले रही है, चूँकि ये स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है, तो हो सकता है इसका टाइम ज़्यादा दिया जा रहा हो, लेकिन इसका टाइम और कम किया जा सकता है। अजमेर से ये वापस जब होगी ये ट्रेन, वो बता देते हैं आपको, थर्सडे को, हर थर्सडे को ये रात में 11:25 मथुरा में सुबह करीब 7 आप पहुँच जाएंगे, उसके बाद ये नरकटियागंज आप रात में 2 पहुँचेंगे, यानी कि 2 आपको वापसी में इस ट्रेन में गुजारना पड़ेगा। और रक्सौल आप फिर रात में 2:45 और उसके बाद बैरगिनिया में होते हुए फिर सीतामढ़ी 4:25 पर आप पहुंच जाएंगे। तो ये बैरगिनिया में 3:37 का टाइम है और सीतामढ़ी में 4:25, यानी कि रक्सौल नरकटियागंज बैरगिनिया को रात में ही, मध्य रात्रि में ही उतरना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सीतामढ़ी सुबह 4:25 पहुँच जाएंगे और दरभंगा सुबह 6:50 पहुँच जाएंगे। तो ये स्थिति है। हालांकि अगर इस ट्रेन का जो ठहराव है, अगर जनकपुर रोड भी कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि वहाँ से भी यात्री, लंबी दूरी की राजस्थान के यात्री मिल सकते थे, खास करके मथुरा, कोटा, जयपुर और अजमेर के इलाके के लोग यहाँ पर जो है वो रहते हैं और इनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पुपरी बहुत बड़ा बाज़ार है सीतामढ़ी का। तो यहाँ पर एक स्टॉपेज देना, कमर्शियल स्टॉपेज ज़रूरी था। अब यहाँ के लोगों को या तो सीतामढ़ी जाना पड़ेगा या फिर दरभंगा जाना पड़ेगा, तो ये उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बड़ी चीज़ है कि जो वादा था 2014 का, आप समझ लीजिए 9 पहले का जो वादा था, वो अब जा कर के, 8 पहले का जो वादा था वो अब जा के पूरा हुआ है, जो रेल बजट में वादा था। और ये चल रही थी ट्रेन ये कागज़ों पर, किताबों में, लेकिन ये पहली बार ये 4 ट्रिप अप एंड डाउन दिया जा रहा है, ये देखने के लिए कि डिमांड क्या है। और डिमांड दरभंगा से दिया जा रहा है और इस रूट पर, खासकर सीतामढ़ी रक्सौल वाले रूट पर दिया जा रहा है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस रूट पर जो है निगलेक्टेड रूट रहा है। और अगर आने वाले दिनों में दरभंगा से दिल्ली इस रूट से सुपरफास्ट ट्रेन भी दी जाए, तो बहुत ज़्यादा डिमांड उसकी होगी और बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। तो इस पर भी रेलवे को विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल जो अजमेर और दरभंगा का दिया गया है, इससे काफ़ी इलाके के लोगों में खुशी की लहर है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आते रहूँगा। आप देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार,
जय मिथिला।